गुड मॉर्निंग बच्चों, हम लोग ने ग्रामर में लेसन टू तक पढ़ लिया था, आज हम लोग को लेसन थ्री पढ़ना है। दिस इज़ द टाइप्स ऑफ नाउंस। ठीक है, हम जानते हैं कि हर चीज़ का नाम होता है। नेम ऑफ पीपल, पीपल्स के नाम होते हैं। प्लेसेस, जगहों के नाम होते हैं। एनिमल्स, जानवरों के नाम होते हैं। एंड थिंग्स, वस्तुओं के भी नाम होते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, है ना। अब देखो यहाँ एक्सरसाइज में, ये देखो पार्क है, तो यहाँ पर PARK पार्क लिखा है, इसका नाम लिखना है ना। ये क्या है? चर्च, CHURCH चर्च। दिस इज़ द स्कूल, SCHOOL स्कूल। ठीक है, आगे देखो। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि जगह, ये फिगर बने हुए हैं, अगर वो प्लेस है तो उसके आगे PL लिखेंगे, अगर वो पर्सन है तो उसके आगे P लिखेंगे, अगर वो एनिमल है तो उसके आगे A लिखेंगे, और अगर वो थिंग है तो उसके आगे T लिखेंगे। तो देखो ये पार्क है ना, PARK पार्क। दिस इज़ द प्लेस, तो यहाँ पर PL पहले से लिखा हुआ है। ये कौन है? दादाजी, ग्रैंडफादर है ना, तो ग्रैंडफादर के आगे P, पर्सन। ये पर्सन है, ये लॉयन है, LION लॉयन। लॉयन क्या है? एनिमल है। ये मोबाइल है, मोबाइल क्या होती है? वस्तु, थिंग्स, T लिखा। ये डकलिंग है, बत्तख का बच्चा ना, डकलिंग, DUCKLING डकलिंग। ये एनिमल है, ए लिख दिया। और ये स्कूल है, प्लेस, तो PL लिखा है ना। अब देखो, अब यहाँ देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो जनरल नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन। जो जनरल नेम, जैसे बोलते हैं, हमने बोल दिया स्कूल, सिटी, बॉय, दिस इज जनरल, हर के लिए इस्तेमाल हुआ, तो इसको हम लोग कॉमन नाउन बोलते हैं। और अगर किसी पर्टिकुलर स्पेशल नेम हमने बोल दिया, जैसे मैंने बोला रिया, तो रिया एक पर्टिकुलर का नाम हो गया, रमेश एक किसी का नाम हो गया, या जयपुर बोल दिया, दिल्ली बोल दिया है ना, या मैंने बोल दिया लॉयन है ना, तो ये सब क्या हो गए? प्रॉपर नाउन हो गए, जिनका एक पर्टिकुलर चीज़ का नाम बोला जा रहा है। ठीक है, तो चलो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कॉमन नाउन होंगे। ये क्या है? टैप, TAP टैप। टेबल, TABLE टेबल। TREE ट्री। WATCH वॉच। और ये हैट, HAT हैट। और ये ALLE एप्पल हो गया। अब यहाँ पर सर्कल द कॉमन नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, है ना। कॉमन नाउन देखो, टाइगर्स और जंगल दोनों कॉमन नाउन है ना। फादर और न्यूज़पेपर, यहाँ पर ये कॉमन नाउन है। वोमेन और ये कप, द वोमेन इज़ होल्डिंग अ कप, इसमें वोमेन और कप कॉमन नाउन है। डॉग्स आर मैंस बेस्ट फ्रेंड, डॉग्स और फ्रेंड कॉमन नाउन है। द डेड शॉप सेल्स बुक्स, है ना, तो ये शॉप क्या है? शॉप और बुक्स, ये कॉमन नाउन है। चिल्ड्रंस आर सिंगिंग ऑन द स्टेज, है ना, चिल्ड्रन और स्टेज, ये कॉमन नाउन है। स्टार्स एंड स्काई, दिस इज़ द कॉमन नाउन। टीचर एंड ब्लैक बोर्ड, दिस इज़ द कॉमन नाउन। लाइट एंड एम्बुलेंस, दिस इज़ द कॉमन नाउन। और यहाँ पर पायलट्स एंड एरोप्लेन्स, ये कॉमन नाउन। ठीक है, अब देखो, अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन। यहाँ पर सुरेश इज़ अ ड्राइवर, ड्राइवर तो कॉमन नाउन है, तो यहाँ पर सुरेश प्रॉपर नाउन हुआ। चिंटू और चीनू, ये प्रॉपर नाउन हुए। शी इज़ माई टीचर, हर नेम इज़ राधा, राधा प्रॉपर नाउन है। वी आर गोइंग टू ऊटी, ऊटी जगह का नाम है, इसलिए ऊटी प्रॉपर नाउन है। तनु, मनु एंड बनु लिव्स इन मुंबई, तनु, मनु, बनु और मुंबई, ये सब चीज़ें प्रॉपर नाउन में हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर, अब ये वर्ड्स दिए गए हैं, ये है ना, इसमें से छांट करके इधर एक नीचे ग्रुप बने हुए हैं, एक में कॉमन नाउन लिखना है, एक में प्रॉपर नाउन लिखना है। देखो मैं दिखा दे रहा हूँ, आप लोग इसको देखेंगे। पहला अपनी बुक में से देखेंगे, काला वेंट टू दिल्ली बाय ट्रेन। काला और दिल्ली क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। ट्रेन क्या हो गया? कॉमन नाउन। ब्राउनी इज़ माई डॉग, ब्राउनी प्रॉपर नाउन हो गया और डॉग कॉमन नाउन हो गया। शर्मा इज़ अ पुलिस मैन, पुलिस मैन तुम्हारा कॉमन नाउन, शर्मा प्रॉपर नाउन। फिर द लोटस इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, लोटस और फ्लावर कॉमन नाउन, इंडिया प्रॉपर नाउन। ठीक है, फिर है अनिल इज़ वेयरिंग ब्लैक पैंट्स, पैंट्स तुम्हारा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और अनिल प्रॉपर नाउन। फिर माई मदर वर्क्स एट कल्याण हॉस्पिटल, मदर जो है वो क्या हो गई? कॉमन नाउन और कल्याण हॉस्पिटल प्रॉपर नाउन।
द हॉस्पिटल इज़ ऑन गांधी रोड. हॉस्पिटल कॉमन नाउन, गांधी रोड प्रॉपर नाउन. कमल बॉट अ चॉकलेट इन द शॉप. चॉकलेट और शॉप कॉमन नाउन, कमल प्रॉपर नाउन. वी विजिट आवर आंट इन कोलकाता लास्ट समर. आंट जो है वो कॉमन नाउन है, कोलकाता प्रॉपर नाउन है. सुपरमैन हेल्प्स पीपल. पीपल कॉमन नाउन, सुपरमैन प्रॉपर नाउन. लिखना हो तो वीडियो पॉज कर लेंगे और इसको देख करके लिख लेंगे. ये काम आप खुद भी कर सकते हैं. ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है. इसमें सब चीज़ों के नाम है. जैसे ये पार्क है तो इसका नाम कॉलोनी पार्क है. ये ज़ू है तो ये कॉन्टिनेंटल ज़ू है. ये स्कूल है तो इसको बोलेंगे CPS, इसका नाम CPS स्कूल है. ये सुपरमार्केट है, ये चर्च है, ये होम है. तो यहाँ पर पूछा गया है द ज़ू इज़ कॉल्ड, क्या ज़ू का नाम है? कॉन्टिनेंटल ज़ू. द सुपरमार्केट इज़ कॉल्ड द, इसमें से देख करके सुपरमार्केट का नाम. द पार्क इज़ कॉल्ड, पार्क का नाम, चर्च का नाम और स्कूल का नाम यहाँ पर लिखेंगे. ओके, अब ये तो आप अपने से बनेंगे. व्हाट इज़ योर नेम, अपना नाम. व्हाट इज़ योर फादर नेम, पापा का नाम. पापा का नाम हमेशा मिस्टर से शुरू करेंगे, ठीक है, मिस्टर आगे. व्हाट इज़ योर मदर नेम, मम्मी का नाम हमेशा मिसेस से शुरू करेंगे आगे. व्हाट इज़ योर फ्रेंड्स नेम, अपने फ्रेंड का नाम लिखेंगे. व्हाट इज़ योर पेट नेम, अगर आपके घर में पेट है तो उसका नाम लिखेंगे. और अगर नहीं है तो अगर आप रखेंगे पेट तो क्या रखेंगे नाम, वो लिखेंगे. व्हाट इज़ योर क्लास टीचर्स नेम, अपनी क्लास टीचर का नाम, अपनी किसी भी टीचर का नाम लिख सकते हैं. व्हाट इज़ योर ब्रदर सिस्टर्स नेम, ठीक है ना, तो अपने भाई या बहन का नाम यहाँ पर लिखना है. ये वाला नीचे वाला क्वेश्चन नहीं करना. ये देखो यहाँ पर आपको केक बनाना है, उसमें कैंडल्स लगानी है, ड्रॉ करना है. और नीचे देखो अपने बर्थडे पे आप किसको किसको बुलाना चाहोगे और क्या क्या गिफ्ट आपको चाहिए उसकी लिस्ट बना लेना और मम्मी को चुपके से पकड़ा देना, है ना, गिफ्ट मिल जाएंगे, ठीक. तो ये सारे यहाँ पर फ्रेंड्स के नाम लिखोगे जिनको अपने बर्थडे पे बुलाना है और गिफ्ट्स के नाम लिखोगे जो तुम्हें गिफ्ट चाहिए, ठीक. ये आप अपने से करोगे. बेटा ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है. यहीं तक आपका हाफ ईयरली का सिलेबस है. अब फिर मिलेंगे हम लोग. बाय.